सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। अक्सर अकेलेपन से वही गुजरता है जो जिंदगी में सही फैसलों को चुनता है। भाग्य से जितना अधिक उम्मीद करेंगे वह उतना ही निराश करेगा। कर्म में विश्वास रखो, आपको अपनी अपेक्षाओं से सदैव अधिक मिलेगा। ज्यादा बातें करने वाले कुछ नहीं कर पाते और कुछ कर दिखाने वाले ज्यादा बात करने में यकीन नहीं रखते। आज का पंचांग 30 मई 2022 दिन सोमवार, ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष के अमावस्या तिथि, शाम 5 बजे तक रहेगी। इसके उपरांत शुक्ल पक्ष के प्रतिपदा तिथि प्रारंभ हो जाएगी। कृतिका नामक नक्षत्र सुबह 7:12 तक रहेगी। इसके उपरांत रोहिणी नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय सुबह 7:24 से 9:04 तक रहेगा। आज का भी जीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय सुबह 11:56 से 12:50 तक रहेगा। आज चंद्रमा वृषभ राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य भी वृषभ राशि पर ही रहेंगे। आप सभी को शनि जयंती, वट सावित्री व्रत और अमावस्या की शुभकामनाएं। कन्या राशि 30 मई 2022 दिन सोमवार, आज अब जो कुछ शुरू करेंगे उसमें चाहे कितनी ही बाधाएं आए आपको सफलता मिलनी तय है। दिन के अंत तक आप दुष्टों से फिर से बेहतर संबंध बना पाएंगे। अपनी प्रकृति में एक जरूरी बदलाव लाएं। हर संबंध में केवल अधिकार जताने की कोशिश में ना रहें। सबको बराबरी का दर्शन दे और आपको भी बदले में सबसे प्यार मिलेगा। आज कोई सपना साकार होने से मानसिक रूप से सुकून रहेगा। समय बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसका भरपूर सदुपयोग करें। नया मकान या प्रॉपर्टी लेने की सोच रही है तो आपका फैसला उचित रहेगा। दूसरों के सामने अपनी बातों को सही साबित करने की जिद ना करें। संबंध हमेशा के लिए खराब हो सकती है। शंका के कारण आप स्वभाव और व्यवहार में जो बदलाव ला रही हैं वह आपके व्यक्तित्व में शामिल हो रहा है। इस कारण आप अपने लिए शत्रुओं की संख्या बढ़ा रही हैं। काम की जगह सहकर्मियों के विरोध को मात देना संभव होगा। अपने जीत और अड़ियल स्वभाव की वजह से रिलेशनशिप में दरार आ सकती है। तकलीफ उत्पन्न होने की भी संभावना है। खान पान पर ध्यान रखें। सावधानियां, अत्यधिक कार्यभार आपको शारीरिक और मानसिक रूप तक आ सकता है। मेहनत का अपेक्षा परिणाम कम प्राप्त होंगे। विद्यार्थी सोचने समझने में बहुत अधिक समय लगाने से हाथ में आई कोई उपलब्धि खो सकती है। बात करते हैं लव लाइफ की। घर का माहौल अनुशासन तथा मर्यादित रहेगा। प्रेम प्रसंगों के मामले में आप लकी रहेंगी। आज के दिन जुनून के लिए विशेष रूप से उपयुक्त है। आप पिछले कुछ दिनों से बचाव की मुद्रा में थे और अपने प्रेम संबंधों में काफी संयमित थे, पर आपको ये एहसास होगा कि ये पर्याप्त नहीं है, बल्कि आपको अपने दीवानगी से भरा स्वभाव दिखाना होगा और आप अपने प्यार को खिलता हुआ देखेंगी। आपका साथी आश्चर्यचकित हो सकता है। वो बड़ी ही उत्साहित प्रतिक्रिया की मुद्रा में आपको जवाब देगा या देगी। बात करते हैं करियर की। आज आपको अपने कार्यस्थल पर सावधानी बरतनी आवश्यक है। आप ये भूल रहे हैं कि आज के आधुनिक कार्यकलापों में कुछ भी छुपा हुआ नहीं है, इसलिए आपको स्थिति के मुताबिक खुद को बढ़ाना पड़ सकता है इसलिए आपको स्थिति के मुताबिक खुद को ढालना पड़ सकता है। आज आपको विवेक की जरूरत है और अगर आप उसे अनदेखा करते हैं तो आपको अपनी संदर्भ में कीमत चुकानी पड़ सकती है, इसलिए चौकन्ना रहने की जरूरत है। इस समय लाभदायक ग्रह स्थिति बनी हुई है। कारोबारी स्त्रियां विशेष रूप से अपने व्यवसाय पर विशेष ध्यान केंद्रित रखें। मनोरंजन तथा सौहार्द प्रधान संबंधित व्यवसाय विशेष रूप से
तरक्की में रहेंगे। नौकरी में आपको कोई महत्वपूर्ण पद की प्राप्ति भी हो सकती है। बात करते हैं सेहत की। आज आप अपने वर्तमान जीवन शैली के स्वास्थ्य जोखिमों के बारे में जागरूक होंगे और इसमें सुधार के लिए कोई कार्यक्रम बनाएंगे। कुछ कारणों से आपको किसी स्वास्थ्य संबंधी जांच करवानी होगी। संभावित खतरे के प्रति सावधान हो जाएंगे। आप पहले भी कई बार इससे बेहतर जीवन शैली अपनाने की कोशिश कर चुके हैं, लेकिन इस बार आपको यह करना थोड़ा आसान रहेगा। आज का उपाय, शिवलिंग पर जल अर्पित करें, शुभ रहेगा। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।